एकों का सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी जैव गुर परसाद जप आदि सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बेनती चौपाई पातशाही दसवी हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम खाओ आप हाथ दै मोहे बचाओ सब बैरन को आस नरी है पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह के आशा तुम्हें
छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊं। आप हाथ दे मुझे उपरिये, मरन काल का त्रास भरिये। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। काल काए ब्रह्मा बत तरा, काल काए शिव जू अब तरा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू कियो। जमन काल सब जगत बनायो, देव जात गच्छन उपजायो। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को फल मोह भक्ति। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। कर करा कर तारा, पर जा थर तब दे अपारा। जीते बदन सृष्ट सब थार है, आप अपनी भूल चार है। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंग। कान अनुमान तो महामूर कछ भेद न जानत। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्ण तो तेन तेन को है देती। तुमरा लखन जाए पसारा, के बिन सजा तुम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राम कही रूपा। राजा है बैठा, कहूँ से मत पे शंकर कहता। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संग। जे अस्तुर तब सरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। कोई कबार ते आए हैं, ताके काल कटने हैं। अच्छा होए ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट करी तत्काला। कृपा दृष्टा न जाए नहर हो, ताके ताप तक मोहर हो। रित सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शासन सत्य न होई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल पास ते ताहे दोबारा। करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैव। गुर परसाद जप आदि सच, युग आदि सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। Yeah.
निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी जैव गुर परसाद जप आदि सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा नमः शिवाय शिवजी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभियो बाज बेनती चौपाई बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सबे तुम थावो आप हाथ दे मोहे बचावो मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैर तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं आप हाथ दे मुझे उभरिए मरन काल का त्रास भरिए राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल पाए ब्रह्मा बत तरा काल पाए शिव जू अब तरा जमन काल जो भी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू कियो जवन काल सब जगत बनायो देव जात जचन उपजायो नमस्कार ते सही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचानत
जा कर धारा पर जा कर कब दे अभारा जीते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी भूल उचार है सब ही तेरे निरालम जानत भेद तेरे अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंग आद अनिल अनाद असंग कान अनुमान तुम्हा मूल कछ भेद न जानता आप अपनी बुद है जेती वर्णत तेन तेन तुह देती ठीक है रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राम रूपा राजा है बैठा कहूँ से मत पे शंकर कहता अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग कैसे बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक पौना व्यापे तेरी सरना बड़ी आसान पंक्तियां हैं सिंपल पंक्तियां हैं पौना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना कि जिसे तेरी शरण प्राप्त हो जाए उसे किसी का डर नहीं रहता प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जिसे तेरी शरण की प्राप्ति मिल जाए उसे डर नहीं रहता पर यहां पर एक सवाल उठता है शरण कैसे मिले प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बातों से शरण नहीं मिलती गली जोग ना होई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक शरण बातों से नहीं मिलती ये जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं पांचवे शब्द में समझा रहे हैं पांचवे गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज अगर उसकी शरण चाहिए तो क्या कर कहते सारा संसार किसी न किसी डर में जी रहा है हर एक को किसी का डर है डर डर के मर मर के भरमों में सब जी रहे पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कोई है जो बिना डर के जीता है हाँ कौन जिसे तेरी शरण प्राप्त है प्यार से बोलियो धन गुरु नानक पर वो कौन है शरण की प्राप्ति कैसे हो अच्छा समझा रहे हैं भय में है रचियो सब संसारा संसार में हर कोई डर के जी रहा है पर तिस भव नाही जिस नाम आधारा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जिसने नाम को अपना आधार बना लिया परसों भी इसी बात पर विचार हुई थी हर नाम का ओला मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चोला प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जिसे नाम का आसरा मिल गया नाम का ओला जिसने ले लिया उसे किसी का डर नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक
डर भी सत्संगत जी दो प्रकार का होता है, एक संसारी डर, एक निर्मल भाव। दोनों में बहुत अंतर है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है अगर इसे लेकर दास बैठे तो। निर्मल भाव वो भी भाव है पर निर्मल भाव है। पिता से बच्चा डरता है, बड़ा होने के बाद भी डरता है, ये रिस्पेक्ट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं निर्मल भाव। महापुरुषों की संगत में पहलवान भी आ जाए वो भी महापुरुषों से डरता है, क्यों? ये निर्मल भाव है। यहाँ पर शारीरिक ताकत की बात नहीं है, यहाँ पर मानसिक ताकत की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्मल भाव, दूसरों के लिए डरना निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार सेवा कर रहा है गुरुद्वारे में पर डर कर सेवा करे। डर क्या है? निर्मल भाव, कि कोई मेरी वजह से टूट ना जाए, निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डर होना जरूरी है कि कोई गलती ना हो जाए जिससे संगत टूट जाए, निर्मल भाव। ये डर की गिनती में नहीं आता, ये प्रेम की गिनती में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक डर है जो कभी नहीं होना चाहिए और वो डर केवल नाम मिटा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए सिवाय उस एक के। मेरा रुस्से ना कलगिया वाला जग पावे सारा रुस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये डर हो और वो डर ना हो कि लोग क्या कहेंगे, वो डर ना हो कि वो मुझे कुछ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये डर खत्म करने का एक ही तरीका है, वाणी कह रही है। सब संसारा है मेरे चे सब संसारा तिस करे
रख में आवन जाना। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस सृष्टि में इस संसार में सुख दुख झेलते हुए इंसान का जन्म होता है और मर जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जन्म से लेके मरने तक दुख सुख भोगता रहता है, पर एक है कोई विरले जन नानक उत्तम काढ़िए विरले कई के, जिन्होंने अपनी सुरत को शब्द से जोड़ दिया है, जिन्होंने गुरु के भाने को मान लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरुमुख है, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, वो परमानेंट सुख को पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीन सुख पाया, आत्मिक सुख की प्राप्ति केवल उन्हें होती है जो उसके भाणी को मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ऊंची अवस्था है भाणा मानना। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज स्तुति तवी पर बैठे भाणा मान रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जीवन में छोटा सा दुख आ जाए, कंप्लेन लेकर बैठ जाते हैं गुरु के आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए अरदास गुरु को ही करनी है, हमारे पास और कोई है नहीं सिवाय गुरु के। पर उसका भी एक ढंग होता है, एक होता है कंप्लेन, एक होता है फरियाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पाछा मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे पता है मुझसे भूल हुई है, बख्श दे। एक होता है मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो अमृत ले उठता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन दोनों में बहुत अंतर है। ये तो हिसाब किताब हो गया कि मैं अमृत के लिए उठता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और अगर हिसाब किताब में पड़ गए, लेख है कतई ना छूटी है, खिन पूलन हर, हम तो हर सेकंड भूल करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं, कितने पाप किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां गिनती नहीं, अगर गिनती में पड़ गए, हिसाब में पड़ गए, तो छूट नहीं पाएंगे, कोई नहीं छूट सकता अगर गिनती में पड़ जाए तो, केवल बख्शा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा मुझे पता है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कैसे कर्म किए, कितने जन्मों के मेरे बुरे कर्म है, तू तो काट रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कभी नहीं हो सकता कि नाम जपा हुआ व्यर्थ चला जाए, हो ही नहीं सकता, एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। पर हम डोरी गुरु पर छोड़ते नहीं, अपनी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना हो, नहीं हो सकता, हमारे कर्मों का हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों लाखों लोग हैं जो ऑडियोस बना बना कर भेजते हैं कि हमारे पास ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, मतलब गिनती नहीं है, मैं सुन नहीं पाता इतने ऑडियोस, और सुनता हूं तो आंखों में आंसू आ जाए, तो शुक्राना निकलता गुरु के चरणों में कि पाशा तूने जोड़ा, अमृत वेले से लोगों के दुख दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूछो उनसे जिन्होंने पाया है अमृत वेले उठकर, पर नाम का आसरा पकड़ा है जिन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। तीन सुख पाया जो प्रभु भाणा, जो उसके भाणे में चल पड़ा,
ये गुरु जो कर रहा है उसके पीछे कोई कारण है। जिसके मन में ये विचार आ जाए दुख आते हुए भी, वो परमानेंट सुख को पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि फिर वो कंप्लेन नहीं करता। फिर वो क्या कहता है, जो तुझ पावे सोई कर सतगुरु पाया, जिन सतगुरु पाया, अगन सागर अगन सागर महाव्यापे माया। अग्नि का सागर किसे कहा है, तृष्णा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तृष्णा की भूख के समंदर में डूबा हुआ है इंसान। तृष्णा और की भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूखिया भूखना उतरी जे बन्ना पुरिया पार,
श्री जपजी साहब जी की वाणी में गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जिसे भूख लग जाए तृष्णा की उसकी भूख नहीं उतर सकती, चाहे सारी पुरियां, जितनी भी पुरियां हैं, जितनी सृष्टि में जितना धन है उसके आगे लाके रख दो, तब भी वो कहेगा और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पृथ्वी की बात नहीं की, जितनी भी पुरियां हैं सबका धन लाके, सबके पदार्थ लाके उसके आगे रख दो, इंसान कहेगा और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे अगन का सागर कहा है, अगन सागर महाव्याप माया, पर कोई है से शीतल जिन सतगुरु पाया, उनके मन की भूख मिट गई, उनकी तृष्णा खत्म हो गई, जिसने गुरु नानक को ही पा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी से गुरु नानक पातशाह ने कहा था ना, मांग कुछ मांग लिया। बाबा नंद सिंह जी कहते मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हमारी खुशी के लिए मांग लिया, मेरा मन करता है तो कुछ मांग। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अगर आपका हुक्म है तो मैं यही मांगता हूँ कि मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे एक तो कहता है मांगना आता नहीं और सब कुछ मांग लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने गुरु नानक को ही मांग लिया बचा ही क्या, सृष्टि का मालिक ही जिसका हो गया, जिसने किसी अनाथ को अपना बना लिया, गोद ले लिया, उसकी सारी दौलत का मालिक कौन, वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। से शीतल जिन सतगुरु पाया, केवल उनके मन शीतल है, शांत है, जिनको प्यास है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे उसे पानी की प्यास है या जो उसे पा चुका है, उनके मन शीतल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर शीतल की बात करें तो जो गुरु के प्यास में जो तड़प है, जो मन जलता है उसमें, उसमें एक रस है, उसमें एक खुशी है, उसमें एक उस दर्द में भी आनंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, सुल्तान भक्ति कहा है बिरहा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्तम भक्ति, टॉप की भक्ति सुल्तान बिरहा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके मन में उसको पानी की प्यास जाग जाए, उनके मन शीतल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि और उन्हें और किसी चीज की भूख नहीं रह जाती। ये सब हम क्यों सुनते हैं साथ संगत, ताकि हमें ज्ञान तो हो, ठीक है हमारी ये अवस्था नहीं है, यहाँ तक पहुंच नहीं, पर ज्ञान हो कि पहुंचना कहाँ पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई कोर्स ज्वाइन करता है ना, तो उसे पता होता है कि ये कोर्स करके वो क्या बनना चाहता है। IAS बनना है तो उसके लिए क्या करना है, हम वो समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता तो होना चाहिए कि क्या क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, ये मंजिल है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगन सागर महाव्याप माया, अगन सागर महाव्याप माया, से शीतल जिन सतगुर सतगुर पाया।
सतगुर पाया ओ ना बिना तेरी सरना श्री गुरु नानक गुरु अमरदास जी अपनी बाणी में समझाते कि माथे जो धुर लिखिया सो मेट ना सके कोई। जो जहां पर लिख दिया गया वो नहीं मिट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो किस्मत में लिख दिया गया वो होकर ही रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक जो लिखिया सो वर्तदा सो बूझे जिसनो नदर हो। गुरु नानक पांचवे गुरु नानक गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक बाणी में फरमा रहे हैं कि जो लिखिया सो वर्तदा। अब हमारे कर्मों की वजह से यहां पर लिख दिया गया है कि कैंसर होगा तो होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारी किस्मत में लिख दिया गया कि सारा जीवन गरीबी में जीना है तो गरीबी में जीना है। जो दुख लिख दिया गया जो सुख लिख दिया गया वो होना है। आगे की पंक्ति बड़ी कीमती है। सो बूझ है जिसनो नदर होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस पंक्तियों में इन दो पंक्तियों में एक बुझारत छिपी है। बुझारत उसे कहते रिडल। अब उसे बूझना है। कौन बूझता है उसे? जिसके ऊपर गुरु नानक की नजर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहां पर बूझने वाली बात क्या है बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे कहते हैं आद रोग। तीन प्रकार के रोग होते हैं आद व्याध उपाध। आदि व्याधि उपाधि ये तीन प्रकार के रोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदि रोग जो लिखा है वो होकर रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आद पहले से लिख दिया गया है कि कैंसर होगा इसे ऐसी बीमारी होगी या गरीबी में रहेगा या जो कुछ भी है ये सजा मिलेगी इसे। पर बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे अगर जो लिखा है। अब बात हो रही है बूझने की। यहाँ पर बूझना क्या है? बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे अगर जो लिखा है वो होना है तो फिर गुरु के शरण में आने का लाभ क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर लिख दिया गया कि इसके घर में औलाद नहीं होने
और अब औलाद मिलनी नहीं है ये लिखा हुआ है, तो फिर इसके दर पर आने का लाभ क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके चरणों में आकर अमृत वेले क्यों बैठे हैं भाई? बख्श दे, लेख बदल दे, कहते हैं ना लिख दे, अच्छा वहां नहीं लिखा है यहाँ लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लिखने वाला अगर ये है, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से अगर सजा लिखी है तो इसी ने लिखी है ना, विधि के विधान ने लिखी है ना, और विधाता कौन है? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने वहां लिखा है मिटाकर यहाँ कुछ नया भी लिख सकता है, उसके हाथ में ताकत है। गुरु नानक मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जो लिखा है वही होना है तो गुरु नानक के शरण में क्यों आके बैठे हैं? लेख तीन लोगों के नहीं बदलते, बस हम उनकी गिनती में ना आ जाए, इससे समझ जाए। ये तीन लोगों के लेख कभी नहीं मिटते, चाहे कुछ भी कर लें। और अगर इन तीनों की गिनती में ना आए तो लेख बदलने ही बदलने हैं 100%। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी वचन किया करते थे, जिन्होंने दास को कीर्तन के दांत बख्शे, वो वचन किया करते थे लेख तीन लोगों के नहीं मिटते। पहला मनमुख, अगर मनमुख है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, अपने तर्क पेश करता है। गुरु कहता है नॉनवेज नहीं खाना, मांस नहीं खाना, वो अपने तर्क पेश करता है कि नहीं खाएंगे तो सारे दुनिया में बकरे बकरे हो जाएंगे, मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने तर्क है उसके, कभी गुरुओं पे दोष लगा देता है कि गुरुओं ने खाए थे। मनमुख, लेख नहीं बदलते चाहे कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो नाम भी जप लेगा, सेवा भी कर लेगा, पर अगर मनमुख है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, अपने तर्कों पे चलता है, तो जो नाम जपेगा जो सेवा करेगा उसका फल मिलेगा अलग, पर कर्म फिर भोगने पड़ेंगे, वो बदलेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा है चौफेरा, जो हर दर पे भटकता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे एक पे विश्वास नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, यहां से बात नहीं बनी चलो वहां चलते हैं, वहां से बात नहीं बनी चलो वहां चलते हैं। चौफेरे के लेख नहीं बदलते, जिसे एक पर विश्वास नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सर सबके आगे झुकाओ श्रद्धा से, और मन में बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जब एक ब्याहता स्त्री घर में आती है उसे सत्कार देवर का भी करना है, जेठ का भी करना है, माता पिता का भी करना है, सास ससुर का सबका करना है, पर जो जगह उसके मन में अपने पति के लिए है वो किसी के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर वो उन सबका सत्कार नहीं करेगी तो अपने पति की नजरों में भी गिर जाएगी। इसीलिए मन एक को देना है पर सत्कार सबका करना है। अगर दूसरों का सत्कार नहीं किया तो अपने ही गुरु के नजरों में गिर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मनमुख के, चौफेरे के, और तीसरे अहंकार ही के लेख नहीं बदलते। अहंकार क्या? मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी सेवा की, जो अभी बात निकली थी, जो इस प्रकार से अरदास करते हैं मन में अहंकार लेकर नाम जप रहे हैं, तीनों के लेख नहीं बदलते। लेख किसके बदलते हैं? गुरुमुख के। दुख आ गया है वो गुरु के आगे खड़ा हो जाता है, पाछा ना जाने मैंने कितने अपराध किए, कितने पाप किए, कितने कर्मों के पाप हैं, कितने जन्मों के पाप हैं, बख्श दे बख्श दे। जो बख्शाने के लिए खड़ा हो गया, जो गुरु कहते हैं अमृत ले उठे तो उठता है, गुरु कहते हैं शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं पीता, निंदा नहीं करनी, अपने को बचाने की पूरी कोशिश करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है गुरुमुख, गुरु को लेख बदलने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं हैं, समय नहीं है सब बताने का। आदि रोग, कर्म रोग जिसे कहते हैं, उन्हें के बदलते हैं
जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपने मन के रास्ते पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हम कभी मनमुख के ना बने, चौफेरे ना बने। तरस करे गुरु अहंकार से खुद बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आद रोग से कहते हैं, दूसरा रोग ब्याध रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ब्याध रोग किसे कहते हैं? अचानक कोई दुख आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कहीं से गिर पड़ना, अचानक किसी चीज का हमला हो जाना जो सोचा भी नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, अचानक घर में बड़ा दुख आ जाना, इसे कहते हैं ब्याधि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे बचने का क्या तरीका है? वाणी में एक एक सवाल का जवाब है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। है दो पंक्तियां पढ़ लें फिर विचार आगे बढ़ाते। दीवानक आर ब्रह्म शरण चौगिर्द हमारे राधा दुख लगे ना पाए। व्याधि रोग, व्याधि रोग उसकी बात हो रही है, उसकी काट क्या है? ये जो अचानक दुख आ जाते हैं इससे बचने का तरीका इस शब्द में बड़ी डिटेल में बताया है, ध्यान से श्रवण कीजिए। तातिवान लग पार ब्रह्म सरना चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाए राम नाम औखद दिया एका लिवलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात हो रही व्याधि रोग, व्याधि क्या है, व्याधि दुख क्या है, अचानक आने वाला दुख, इससे बचने का तरीका क्या है, इसका इलाज क्या है? ताती वाव न लग गई, तुझे गर्म हवा का झोंका भी नहीं छू पाएगा अगर तूने उसकी शरण प्राप्त कर ली। पार ब्रह्म शरणाई, अभी शब्द भी यही चल रहा है, भावना व्यापे तेरी शरणा। पार ब्रह्म शरणाई चौ गिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाए। एक घेरा बन जाता है नाम की ताकत का, कोई दुख उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता कैसे है बड़ी डिटेल में समझाया। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। अब सतगुरु मिल गया, हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शरण प्राप्त हो गई। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी ने उपदेश दिया, भाई नाम जप, वाणी क्या कहती है हर शब्द में, नाम जप। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, कोई संत महापुरुष मिला दिया जिसकी संगत में नाम जपने का चाव पैदा हो गया, बनत बन गई, बनत बना दी गुरु ने, महापुरुषों से भेंट करा दी। महापुरुषों से भेंट होने के बाद क्या हो गया, तेरे भीतर नाम चल पड़ा। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाए, गुरु ने बनत क्या बनाई, संतों महापुरुषों की संगत बख्श दी जिन्होंने तुझे अपनी संगत में रख के नाम से जोड़ दिया। अब नाम ने क्या किया, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नाम औखद दिया, राम नाम की ऐसी दवाई दी एका लिव लाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तेरी लिव लग गई गुरु के चरणों से। देखना कितने सिस्टमेटिक शब्द में समझाया गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने। संतो महापुरुष ने क्या किया, तेरे अंदर राम नाम का जाप शुरू करवा दिया, तेरी लिव जुड़ गई नाम से। अब लिव जुड़ने से क्या होगा, राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई। ब्याद रोग की बात हो रही है, राख लिए तिन रखन हर सब ब्याद मिटाई, आने वाले दुख आने से पहले ही खत्म करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एका लिव लाई। अब ये तो जिन्हें इस बात का ज्ञान है वो इस बात को समझ सकते हैं, जब लिव जुड़ी होती है ना, आप सफर कर रहे हो,
चाहे जंगल में बैठे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी, अगर आपके सिर से जुड़े हुए नाम से या कहीं भी बैठे हो, कई बार वो समझ सके जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि भीतर से आवाज आती है, गुरु कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर, यहां से नहीं वहां से जा, ऐसे नहीं ऐसे कर, अंदर से आवाज आती है उनके, क्योंकि लिप जुड़ गई हुई है, बात हो रही है, लाइन जुड़ गई है टेलीफोन पर, अब बात हो रही है, भीतर से आवाज आती है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आने वाली मुश्किलों से गुरु बचा देता है समझाकर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु पूरा भेटिया जिन भनत बनाई, राम नाम औखद दिया एक काली बलाई, राख लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाय। अगर नाम नाम से लिव जुड़ गई, तेरे दुख आने से पहले ही कट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, हर इंसान के जीवन में 100 बार मौत लिखी होती है, एक मौत तो अटल है जो होनी है, 99 टाइम अन्यायी मौत लिखी होती है, केवल वो उससे बचता है जिसे शरण की प्राप्ति है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी सब नहीं बच पाते, ये जो सबने वाणी की ताकत को अब देखा है अपनी आंखों से, सुना तो बहुत था सबने कि 40 दिन में क्या हुआ है, सारी संगत ने श्री जपजी साहब जी की वाणी का आसरा लिया, शरण प्राप्त की ना, गुरु नानक की बात मानी, गुरु अर्जन देव जी महाराज की बात मानी ना हमने, गुरु श्री सुखमनी साहब जी की वाणी से सब जुड़ गए, क्या हुआ, सबकी रक्षा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो नानक कृपा भई, कृपा कर दी उसने प्रभु भय सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीन प्रकार के रोग, आदि व्याधि और तीसरा उपाध। उपाध रोग क्या है? दिमाग का हिल जाना, पागल हो जाना, अपने क्रोध पे कंट्रोल ना रहना, कोई पसंद ना करे पास में बिठाने के लिए, क्योंकि स्वभाव ही इतना बिगड़ गया है कि कोई पसंद नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे लोग जो डिप्रेशन में चले गए, इसे कहते हैं उपाध रोग, मानसिक रोग। मानसिक रोगी होते हैं जिनके पास किसी को बैठना पसंद नहीं है, सूखा पेड़ हो उसके नीचे कोई नहीं बैठता, सूखे मन के पास कोई क्यों बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों महापुरुषों के पास बैठने का क्यों आनंद आता है, क्या वजह है? उनके मन हरे हुए होते हैं, नाम से छांव मिलती है, शांति मिलती है, मन को आनंद मिलता है, मन करता है बैठे रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उपाध रोग, इसका इलाज केवल एक है बस, कोई दूसरा नहीं, केवल एक। क्या है? उठ नाम जप, उठ
नाम जप। कितना क्लियर समझाया है, इसका इलाज एक ही है, अमृत वेले उठ नाम जप। ये जो तेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जिसकी वजह से तुझे कोई पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से तेरा कोई काम नहीं बनता, ये स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते इंसान पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। पर अगर तूने अमृत वेले उठ के नाम जपना शुरू कर दिया, गुरुमुख बन गया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा, ये उपाध रोग भी खत्म हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, कारा तुझे ना व्याप नानक मिटे उपाध। हर से बोलिए धन गुरु नानक, तरस किया गुरु नानक ने हमें अमृत वाला बख्शा है। बहुत सारी संगत इस वक्त सारी दुनिया में जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो केवल आज उठे हैं, कभी कभी उठते हैं। कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, कहते चालिए में उठते हैं उसके बाद सो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके चरणों में बेनती है कि मन बनाओ, चालिया होता ही इसके लिए है कि आदत पड़ जाए। तरस किया गुरु ने चाली के, अब जब कल अपने आप उस वक्त नींद खुल जाएगी। संभाल लो अमृत वेला, ना आद ना व्याद ना उपाद, कोई दुख पहुंच नहीं सकेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी चीज का डर नहीं रहेगा, भाव ना व्यापे तेरी शरण, गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी जिसने अमृत वेला संभाल लिया। क्योंकि गुरु नानक के वचन है, जो अमृत वेला संभाल लेगा, बाबा नंद सिंह जी के वचन, गुरु नानक उसे संभाल लेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी सदा
जय गुरु जी की। ओ